नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपका चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। आलू के भाव दोस्तों चलते रहेंगे धीरे धीरे करके, दो चार दिन और चलेंगे, आपको बताते रहेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात एक और बता देता हूँ दोस्तों, के मौसम उलट फिर, मौसम में ऊंच नीच बादल हो रहा है, हल्का सा कभी धूप निकल आती है, अपनी फसल का नई जो फसल आने वाली है इसका ध्यान रखें, ठीक है। धूप ज्यादा तेज होने की वजह से पाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आलू का, ठीक है। मतलब खेत देखने में ऐसा लगता है कि आल अगर खेत में घुस जाओ तो आधे आधे लोग डूब जाए, तीन फुट साढ़े तीन तीन फुट की आल हो चुकी है। जमीन में नीचे क्या है उसका भी विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों अभी फसल को देखकर आकलन यही लोग लगा रहे हैं कि बहुत अच्छी फसल है, बहुत अच्छी फसल है, पर अभी एवरेज फसल है, 35 से लेकर 40-45 दिन का आलू हुआ है अभी, ठीक है। और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है और कैसा आलू निकलने वाला है, ठीक है। इसी तरह जल्दबाजी नहीं करें लोग भविष्यवाणी करने में, मेरा उनसे निवेदन यही रहेगा। दूसरा दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुपों में घमासान चल रहा है। अभी एक मेरे मिलने वाले बैठे मेरे पास, वो कई व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, उनका मैंने फोन लेके देखने लगा मैं, तो खंदौली के एक बुद्धिजीवी है वो डालते हैं कि बंगाल में आज मंदी है, ठीक है। और खंदौली के एक दूसरे बुद्धिजीवी है वो 50 रुपए तेजी बता रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में दो भाग में लोग बढ़ चुके हैं इस समय, कैसे बढ़ चुके हैं, एक भाग में तो मंदड़ी है जो मंदी वाले हैं और एक भाग में तेजड़ी है जो तेजी वाले हैं। पर दोस्तों मैं एक चीज ये जानता हूं कि जो मंदी वाले हैं वो कौन है पता है आपको? उनके पास नहीं है बिल्कुल व्यवस्था कैसी भी, और वो इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, वो लोग अपने आप को मतलब एक बात बताओ, अगर किसी किसान के पास इस समय आलू रखा हुआ है और वो आलू अगर सस्ता बिक जाता है तो इन्हें जो मंदी का जो माहौल बना रहे हैं, जो झूठी खबरें व्हाट्सएप ग्रुप में फैला रहे हैं, इनको क्या मिलेगा? ये एक सवाल है कि इनको मिलेगा क्या। तेजी से दोस्तों सबको फायदा है, तेजी से किसी को दोस्तों नुकसान नहीं है। एक बात मुझे ये बताओ, अगर तेजी रहेगी तो नए आलू में भी तेजी आएगी, पुराने आलू में भी तेजी रहेगी। कुछ लोग माहौल बना रहे हैं कि यूपी में आलू बहुत रखा हुआ है कोल्ड स्टोरों में, यूपी के कोल्ड स्टोर भरे पड़े हैं। अगर यूपी के कोल्ड स्टोर भरे पड़े हैं दोस्तों तो ये 10-10 गाड़ी 15-15 गाड़ी ही रहेगी इन लोकल मंडियों में, ये कैसे होगी? जोधपुर में आज एक गाड़ी है पुराने आलू की, जिसमें 5-5-6-6 गाड़ी होती थी पुराने आलू की। कानपुर की बात करें तो 10-15 ही गाड़ी दोस्तों पुराने आलू की है, जहां 50-50, 60-60 गाड़ी होती थी। जयपुर की दोस्तों बात करें तो जयपुर में भी नया पुराना आलू घट गया बहुत, ठीक है। लोकल मंडियों की बात करें दोस्तों पुराना आलू कम हो गया। साउथ की मंडियों में अगर आप मुझे बताओ कि साउथ में अगर वीवीआईपी 37-97 जो क्वालिटी का आलू है दोस्तों, उसका विकल्प उसकी जगह क्या नया आलू ले लेगा? जो आलू के जानकार है वो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, वो उसकी जगह कभी नहीं ले सकता है। अगर पुराने आलू में दोस्तों जो वीवीआईपी क्वालिटी का आलू है, जो साउथ क्वालिटी का आलू है दोस्तों, उसकी जगह साउथ क्वालिटी आलू ही लेगा, उसकी जगह पुराना या नया आलू नहीं जगह ले सकता है। दूसरी चीज दोस्तों क्या है कि अगर सस्ता बिक जाएगा आलू तो दोस्तों लाभ किसको है? किसी को नहीं है ना। एक चीज मुझे बताओ कि सस्ता बिकने की सस्ते की वजह से अगर कोई झूठ बोले कि अगर कहता रहे कि बंगाल में 50 रुपए मार्केट टूट गया, 100 रुपए टूट गया, अब तो उसको गुजरात की भी बतानी चाहिए कि गुजरात में आज 100 रुपए मार्केट टाइट हो गया। कि मंदी बंदी की तरफ है लोग, तेजी की तरफ भी तो रहना चाहिए भाई। अगर आप किसी मंडी में मंदी बता रहे हो तो जिसमें तेजी है उसके बारे में भी तो जिक्र करो, पारदर्शिता रखो। और दोस्तों ये वो लोग हैं जिनकी औकात आलू खरीदने की नहीं है, इन्हें कोई कोल्ड स्टोर मालिक अपने सामने खड़ा नहीं होने देते हैं। ये इनकी इतनी बड़ी तो इनकी छवि है जो मंदी का प्रचार कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना। कोरे बेईमान लोग हैं दोस्तों ये, इन ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों में से आप लोग निकल जाएं, उसी में फायदा रहोगे। नहीं, जिनके पास आलू रखा हुआ है ये लोग ज्यादा कुछ नहीं है तो उनको अटैक से ही मरवा देंगे, ठीक है। उनकी स्थिति ये करवा देंगे, उनका बीपी बढ़ेगा और वो टेंशन में आ जाएंगे। क्योंकि एक तो दूसरी चीज दोस्तों, शुरू से ये वही है जिन्होंने माहौल बनाया था कि कोल्ड स्टोरों की छत पे आलू रखा जाएगा, और उसके बाद इनका एक मंसूबा तो कामयाब नहीं हुआ। 250 से 300 रुपए कट्टा बिकने वाले थे, वो तो बिका नहीं आलू, पूरी साल आलू अच्छे रेट में बिकता रहा। इतनी बड़ी स्थिरता आलू में कभी नहीं रही जितनी इस साल रही है। आलू नीचे से नीचे 550 रुपए कोल्ड के बिके और 700 रुपए तक आलू खूब बिके, अभी 800 रुपए तक आलू खूब बिक रहे हैं, जो साउथ क्वालिटी के बढ़िया आलू है। हल्के आलू की बात नहीं दोस्तों मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन ऐसे लोगों से, ऐसे बेईमानों से सावधान रहें जो किसानों का शोषण कराना चाहते हैं, जो मंदी का प्रचार करते हैं, जो मंदी के प्रचारक हैं, इन लोगों से सावधान रहें। और जिन किसान भाइयों के पास आलू रखा हुआ है इन ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दें, ठीक है। आप अपना आलू है आपका, आप अपने हिसाब से बिक्री करें। माहौल गंदा करने वाले तो हमेशा हावी रहेंगे आप सब लोगों के ऊपर, और ऐसे माहौल गंदे करने वाले लोगों से किनारा करें। ये लोग मिले रास्ते में तो इनसे वैसे ही किनारा ना करें, वो किनारा करें, इनसे बात भी नहीं करें। क्योंकि दोस्तों इनको देखें, ये किसानों के असली दुश्मन है, कोई और इनका दुश्मन नहीं है। ये जो फर्जी खबरें व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलाते हैं यही सबसे बड़े दुश्मन है, ठीक है। तो मंडियों के भाव से शुरुआत करेंगे दोस्तों।
इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। खंदौली में आज भी साउथ क्वालिटी के वीवीआईपी आलू 800 रुपए से ऊपर के बाजार है। अभी शमशाबाद की बात करें तो 2-3 दिन पहले मैंने पर्चियां ग्रुप में शेयर भी की थी, वहां पे भी दोस्तों आलू क्या रेट बिक रहे हैं, ठीक है, जो वीवीआईपी आलू है। अच्छे आलू की बात हो रही है, अच्छे आलू अच्छी रेट बिकते हैं, हल्के आलू जो किसान पैदा करता है उसको भी आइडिया रहता है कि मेरा आलू हल्का है, ठीक है। तो मैं तो यही घमासान देख के दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुपों में चौंक गया, ठीक है, कि क्या किस तरीके से प्रचार हो रहा है। कोई डालेगा कि बंगाल में बिल्कुल नुकसान नहीं है, कुछ लोग डालेंगे कि बंगाल में 30-40% नुकसान है, ये हो रहा है ड्रामा, ठीक है। तो जो इतने ज्यादा हावी है, मतलब तेजी किसान के जेब में अगर 100 रुपए ज्यादा भी पहुंच जाएंगे तो इन लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि इन लोगों की छवि ऐसी है कि इनको कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों इंदौर से। तो इंदौर में 10-12 हजार कट्टा है मंडी में लोकल आलू का, नए आलू का। और खेत की रेट बता देता हूं मैं, खेत से आलू दोस्तों जो आज तेजी है 50-25-30-50 पैसे की तेजी मान सकते हैं आप। जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है वो 8 से लेकर 9.5 रुपए किलो बिक रहा है, सुपर 6 हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपए किलो। उकराई आलू अच्छे बढ़िया बिक रहे हैं 8 से लेकर 8.5 रुपए किलो दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों क्वालिटी की, तो 75-80 दिन का आलू हो चुका है, बढ़िया क्वालिटी आ रही है आलू की। और 1-2 दिन से साउथ के लिए लोडिंग शुरू हो रही है, अब देखते हैं साउथ में जाके क्या रेट बिकते हैं ये आलू। इंदौर के जयपुर की बात करें, नया आलू बिक रहा है 6 से 7 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से 6 रुपए किलो। पुराना आलू आज भी दोस्तों 9 से लेकर 10 रुपए किलो वीवीआईपी बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 6 से लेकर 7 रुपए किलो। बात करें जोधपुर मंडी की, तो जोधपुर में 18 से 19 गाड़ी है, सारी नई आलू की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 5 से 7 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से लेकर 5 रुपए किलो बिकता है। बात करें पूना मंडी, तो आज बंद है, महाराष्ट्र की सारी मंडियां दोस्तों आज बंद है। दिल्ली आजादपुर की बात करें तो 125 गाड़ी की आमदनी है, नया आलू पंजाब हरियाणा का 250 से लेकर 350-400 रुपए बिक रहा है, हरियाणा का 200 से लेकर 300-350 रुपए बिक रहा है। और 50 किलो के दोस्तों ये भाव है, संभल के आलू 400 से लेकर 450 रुपए, हल्की क्वालिटी के 300 से लेकर 350। कानपुर की बात करें, नया आलू 50,000 कट्टे के आसपास होगा, 10,000 कट्टा कल से कम बताया जा रहा है, नया 275 से लेकर 300 रुपए, 40 किलो दोस्तों मन बिक रहा है, हल्की क्वालिटी के 250 से 260 रुपए बिक रहा है दोस्तों। और चेन्नई की बात करें दोस्तों, तो चेन्नई में आज आगरा के आलू 18 से 20 रुपए 21 रुपए किलो बिके हैं, वीवीआईपी हल्की क्वालिटी के 16 से 17 रुपए किलो बिक रहे हैं, 14 गाड़ी की आमदनी है। बैंगलोर की बात करें दोस्तों, तो 28,000 कट्टे की आमदनी है आज। और एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 19 से लेकर 20 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 15 से 16 रुपए किलो। यही मंडी 18 रुपए किलो बिक रही थी, तो यही मंडी के प्रचारक सुबह जैसे ही उठते थे ना, सीधे उठ के प्रभु का नाम नहीं लेते थे, सबसे पहले मोबाइल हाथ में लिया और बड़े खुश हो गए कि अरे ये तो 16 रुपए आज बैंगलोर बिक गई, चलो डाल देते हैं ग्रुप में, यही काम करते थे, ठीक है। और इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे किसी पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर किसी किसान का आलू सस्ता भी बिक जाता है तो उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा जो ये काम कर रहा है? और पर उसका तो बेचारे का सब कुछ लुट जाएगा ना, जो इस समय तक आलू रख के बैठा हुआ है, जो कोल्ड का भाड़ा दे रहा है, जो अपने आलू की सूख जा रही है, उसकी इन सब चीजों के लिए रिस्क लेके बैठा हुआ है। कल के वीडियो में मैंने एक बात कही थी दोस्तों, जिसकी जितनी आप ये मत सोचना कि ये लोग ऐसे हैं जो लोग इस समय आलू रख के बैठे हुए हैं कि इनकी बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी बहुत दिक्कतें हैं इनके लिए, इनके पास दुनिया भर के खर्चे हैं इन लोगों पे, इन लोगों जितने ज्यादा गड्ढे गहरे हैं इनके दोस्तों के, वो इन आलुओं को बेच के ही भर पाएंगे। और भाई उनका बुद्धि विवेक है, वो किस हिसाब से रखे हुए हैं, पर आप लोग क्यों उसमें जले बने वक्त सड़क रहे हैं किसी के? अरे आज कुछ ना कुछ भाव में सुधार ही हुआ है, कम नहीं हुआ आलू का भाव, जो पुराने आलू का वीवीआईपी आलू का है वो। बात करें दोस्तों बैंगलोर की, तो मैंने बता दी तिरछी भी कहा है आज 20 से 22 रुपए किलो बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपए किलो बिक रहा है। लखनऊ की दोस्तों बात करें, तो नया आलू 7 से लेकर 8.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से लेकर 7 रुपए किलो। लखनऊ में संभल, लखीमपुर खीरी, जलालाबाद, बेवर और आपका तिरवा, ये सारे आलू पहुंच रहे हैं 12-13 गाड़ियां। बंगाल की बात करें दोस्तों, तो आज बंगाल की जो भाव है दोस्तों वो गड्ढा आ चुके हैं 650 से लेकर 660 रुपए और 50 किलो के भाव दोस्तों। मोटा आलू बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का 750 से लेकर 825 रुपए बिक रहा है दोस्तों। और यूपी से दोस्तों लोडिंग बंगाल के लिए काफी हो गई थी, फरुखाबाद से नया आलू थोड़ा बहुत भी पहुंच गया था, तो उसके जो यूपी से जो फरुखाबाद का आलू पहुंचा है दोस्तों, वहां 350 रुपए क्विंटल के पैसे मिले किसानों को लौट कर, आप समझ रहे हैं बंगाल से, तो क्योंकि बहुत हल्के आलू थे, बहुत हल्की क्वालिटी के आलू पहुंच गए दोस्तों। बात करें मदुरई की, तो 10 से 11 गाड़ी है, साउथ में क्या वीवीआईपी आलू 20 से लेकर 22 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपए किलो। गुजरात अहमदाबाद में आज तेजी है दोस्तों, यूपी के आलू आज बिके हैं 16 से लेकर 17 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 14 से लेकर 15 रुपए किलो। तो मंदी के साथ, मंदी का प्रचारकों से ये कहना चाहता हूं मैं कि मंदी का प्रचार खूब करो, पर तेजी के बारे में भी लोगों को जानकारी दो, ठीक है, क्योंकि आपकी छवि, आप लोगों की छवि इस समय इतनी ज्यादा मतलब मार्केट में खुल्लम खुल्ला हो चुकी है कि आप ये समझ लेना कि अगर कैसे भी करके, अगर जो जिनका आलू सस्ता बिक रहा है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और उन लोगों का हाल आप लोगों ने इस कदर कर रखा है, उन लोगों के लिए टेंशन का माहौल आप लोगों की वजह से ही है, व्हाट्सएप ग्रुपों की वजह से ही है। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आलू
इन व्हाट्सएप ग्रुपों को त्याग कर अपने काम पर ध्यान दें, इन फर्जी व्हाट्सएप ग्रुपों में नहीं रहे। मेरे आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, तेजी मंदी सब भगवान के हाथ में, जो होगा सब देखने लायक होगा। ठीक है, धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दें।